हेलो एवरीवन, आज हम बनाएंगे कटहल की सब्जी। इसके लिए हमने 750 ग्राम के करीब कटहल लिया है। कढ़ाई में 4 बड़े चम्मच के करीब तेल लिया है। अब प्याज, अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट बना लेंगे। अब तेल गरम हो गया है और जो कटहल के पीसेस थे उनको नमक के पानी से अच्छे से धो के अब इसमें तेल में फ्राई कर लेंगे। सुनहरा होने तक इनको फ्राई करेंगे। कटहल अब भुन चुके हैं, अब इनको हम दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे। जो बचा हुआ तेल है उसमें हम 1 चम्मच के करीब जीरा डाल देंगे और जो प्याज का पेस्ट बनाया है वो भी इसमें डाल के इसको भूनेंगे धीमी आँच। फिर इसमें स्वादानुसार नमक डाल देंगे और इसको धीमी आंच पे भूनते रहेंगे। मसाला भुन गया है, अब इसमें हम हल्दी और धनिया पाउडर का पेस्ट बना के डाल देंगे। फिर इसको भी भूनेंगे अच्छे से। अब सारे मसाले अच्छे से भुन गए हैं, अब इसमें कटहल डाल देंगे। कटहल को इन मसालों में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बीज वाला कटहल नहीं है इसीलिए इसको हमने इस तरह से बनाया है। अगर बीज वाला कटहल है तो आपको उनके बीजों को भी साफ़ करके भूनना पड़ेगा। अब इसमें हम 1.5 गिलास के करीब पानी डाल देंगे और फिर इसको अच्छे से मिक्स करके इसको 15 से 20 मिनट धीमी आंच पे पकने देंगे। जब ये अच्छे से बन जाएगा तब इसके बाद इसमें 1 चम्मच के करीब गरम मसाला डाल देंगे और इसको मिक्स कर देंगे। फिर उसके बाद भी 2 से 3 मिनट इसको पकने देंगे। फिर इसमें हरा धनिया डाल देंगे कटा हुआ। देखिए ये अच्छे से पक गया है, कटहल बनके तैयार है। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।